हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कमेंट को लेके। जो आपके कमेंट आए हैं, आपकी परसेंटेज आपने बताई है कि क्लास 10 में हमारी इतनी परसेंटेज है और फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में इतनी परसेंटेज है, तो उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो आपकी 2021 एग्जाम में जो आपकी 2021 के एग्जाम में परसेंटेज आने वाली है या परसेंटेज बनने वाली है, वो आपकी कितने परसेंट मार्क्स मिलने वाले हैं, तो इसी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने लिए हैं 30 कमेंट। टॉप पार्ट वन में जो पार्ट वन बनाया है हमने, उसमें लिए हैं 20 कमेंट और ये टॉप 30 है। पार्ट टू में हमने टॉप 30 स्टूडेंटों के कमेंट लिए हैं। 30 और 20 50 स्टूडेंटों के हो गए। अगर अदरवाइज कोई भी बच्चे बचते हैं तो हम पार्ट थ्री भी इसका बनाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। फिर भी कोई बच्चा रह गया है, अब कि उसका नाम नहीं लिया मैंने या उसकी परसेंटेज नहीं बताई, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको। आपको इस वीडियो में कमेंट नहीं करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पे एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को देखिए और उसके नीचे कमेंट करिए। आप वहां से आपके कमेंट को मैं ले लूंगा, ठीक है। तो आपको जानकारी मिल गई, अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो करते हैं बेटे अब वीडियो की शुरुआत। हमने टॉप 30 कमेंट बच्चों के लिए हैं और आपको एक बात बता दें, जितने की हम परसेंटेज आपको बता रहे हैं उससे देखिए एक परसेंटेज कितना, एक परसेंटेज आपका प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, यानी एक परसेंटेज की बात करें तो उससे कम भी हो सकती है और एक परसेंटेज ज्यादा नंबर भी आपके आ सकते हैं। तो समझिए, देखो जो कमेंट आया है टॉप थ्री में, पहला कमेंट हरिओम सिंह का। हरिओम सिंह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, अब ये आ गए इंटर एग्रीकल्चर में, इंटर एजी में ये हो गए प्रमोट। तो इनके नंबर कितने रहने वाले हैं, इनके रहने वाले हैं 84.34 मार्क्स रहने वाले हैं इंटर एग्रीकल्चर में। दूसरा स्टूडेंट हमारा देखिए आल फ्री फेयर लवर, ये कोई स्टूडेंट है, जो भी होगा उस वो पहचान लेगा अपना नाम। ये भी सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है इस बार। इनकी जो परसेंटेज बनने वाली है वो है 64.2%। अगला बच्चा है वो है सत्यम वर्मा। तो सत्यम वर्मा हैं फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और इनकी जो परसेंटेज फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में बनने वाली है वो कुछ इस तरह है 73%। नेक्स्ट बच्चा है करण आजाद। तो करण आजाद सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, इनकी जो औसत परसेंटेज बनने वाली है 2021 के एग्जाम में वो 72% मार्क्स इनके आने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चा है पंकज कुमार। तो पंकज कुमार हैं वो हैं फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के, फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में इनकी जो कुछ परसेंटेज है वो बनने वाली है 79% मार्क्स इनके आने वाले हैं। अगला बच्चा है 6 नंबर पे देखिए अनमोल पाल। तो अनमोल पाल ये फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और इनकी जो परसेंटेज की बात करें तो इनकी कुछ 65% मार्क्स फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में बनने वाली है। नेक्स्ट 7वां बच्चा है नटवर लाल। तो नटवर लाल भी फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और इनकी जो परसेंटेज की औसत की बात करें तो 68% इनकी बनने वाली है। अगला बच्चा है हमारे पास देखिए, ये लिखा है जिसका भी नाम होगा पढ़ लेगा, आगे लिखा है इसमें रोहित ओपी। ये हैं फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट और इनकी भी कुछ परसेंटेज 68 ही बनने वाली है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, 8 बच्चे मैंने ले लिए और अभी भी आपके 22 बच्चे बचे हुए हैं। तो अपना नाम देखिए कि आपका नाम कहाँ पे आ रहा है। चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं वीडियो को आगे समझते हैं आगे कौन से बच्चे आने वाले हैं। तो देखिए, आपको जो मैं मार्क्स बता रहा हूं बेटे, इन मार्क्सों से आप निराश बिल्कुल भी मत होना। ये तो मेरा आइडिया है, मेरे अपने विचार हैं कि आपकी इस बार 2021 के एग्जाम में कितनी परसेंटेज बनने वाली है, ठीक है। तो आपकी कम हो परसेंटेज या ज्यादा हो, आप इस बात से निराश, मेरे बताने से आप निराश बिल्कुल भी मत होइए। मैं तो एक आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आपकी परसेंटेज कितनी बनने वाली है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि हमारा जो एग्जाम है 2021 का वो कैंसिल हो गया तो हमारा बहुत नुकसान हुआ है, या बहुत से बच्चे बहुत खुश है कि हमारा बहुत फायदा हुआ है। तो उससे मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि आपकी एग्जाम में 2021 के एग्जाम में इस बार कितनी परसेंटेज बनने वाली है। अगले बच्चे को समझिए, अगला जो बच्चा है हमारे पास वो है अमित पाल। अमित पाल ये फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है और इनकी 74% बनने वाली है। 10वां बच्चा है देखिए अभी सुपर क्लासेस, ये है फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के और इनकी 63% बनने वाली है फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में।
नेक्स्ट बच्चा है हमारे पास अशोक मौर्य। अशोक मौर्य की फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर इस बार है इनका और 70% इनके मार्क्स आने वाले हैं। बारहवा बच्चा है नरेंद्र राणा। तो नरेंद्र राणा ये सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और इनकी जो कुछ परसेंटेज है वो बनेगी लगभग 70% मार्क्स। और मैंने आपसे कहा है देखिए 1% का अंतर हो सकता है प्लस माइनस, 1% इसमें ऐड भी हो सकती है और इसमें से घट भी सकता है, इतना आप ध्यान रखना, इससे ज़्यादा आपका अंतर नहीं होगा। तेरहवा बच्चा है देखिए प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार ये फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और इनकी ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो 65 के आसपास मार्क्स इनके आएंगे। नेक्स्ट बच्चा है देखिए विकास, विकास वर्मा। विकास वर्मा भी फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और इनकी जो परसेंटेज आने वाली है वो है 77 फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर की परसेंटेज। नेक्स्ट बच्चा है देखिए रोहित कुमार। रोहित कुमार फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और इनकी जो औसत परसेंटेज है वो है 65% फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट बच्चा है सोलहवा बच्चा है देखिए अंकित सक्सेना और इनकी कुछ परसेंटेज बनने वाली है, ये सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, इनकी परसेंटेज बनने वाली है 72.55 यानी 72.55% बनने वाली है। तो 16 बच्चों को हमने यहाँ आपको बता दिया। वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखना, वीडियो में हम आपको लास्ट में दो महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, उनसे आपको काफ़ी सीख मिलेगी। तो चलते हैं अब बेटे आगे की ओर, अगले बच्चे को समझिए। अगला बच्चा है जो जिसने कमेंट करा है वो है सुधांशु त्रिपाठी। तो जो सुधांशु त्रिपाठी हैं ये फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के छात्र हैं, क्लास 11 एग्रीकल्चर के छात्र हैं। इनकी जो परसेंटेज है औसत परसेंटेज की बात करें तो 73% के आसपास इनकी परसेंटेज आने वाली है। अगला बच्चा है गौरव सैनी। अगर हम गौरव सैनी की बात करें तो गौरव सैनी की जो है वो फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के छात्र हैं, इसके फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के, उनकी जो परसेंटेज है वो है 77% मार्क्स मिलने वाले हैं। अगला बच्चा है देखिए अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, उनकी जो औसत परसेंटेज की बात करें तो 64% इनके मार्क्स आने वाले हैं। अगला बच्चा है हमारे पास वो है अमन तिवारी। अमन तिवारी देखिए फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और इनकी जो परसेंटेज औसत परसेंटेज की बात करें तो 71% इनके मार्क्स आने वाले हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर में। अगला बच्चा है हमारे पास बीआरडी एग्रीकल्चर करके, बीआरडी एग्रीकल्चर ये फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है और इसकी जो ओवरऑल परसेंटेज बनने वाली है वो है 64%। नेक्स्ट बच्चा है हमारे पास वो है प्रियांशु कश्यप। तो प्रियांशु कश्यप भी फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, इनकी जो ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो 76% इनकी बनने वाली है। अगला बच्चा है हमारे पास राजपूत विजेंद्र। देखिए राजपूत विजेंद्र ये क्लास 12 एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है और इसकी जो ओवरऑल औसत परसेंटेज बनने वाली है इस बार वो है 70% मार्क्स। नेक्स्ट बच्चा है विजेंद्र सिंह राजपूत। तो ये विजेंद्र सिंह राजपूत है ये फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, इनकी औसत अगर एवरेज बात करें तो 71% मार्क्स इनके आने वाले हैं। तो आप देखिए टेंशन मत लीजिए, और भी बच्चे अभी रह गए हैं, 6 बच्चे और हैं, उनको भी बताऊंगा उनके कमेंट के आधार पर कि उनके मार्क्स कितने आएंगे। इसके बाद आप सुनोगे महत्वपूर्ण सूचना और इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके, जो भी कमेंट आपके रह गए हैं, अभी बहुत सारे बच्चों के कमेंट रह गए हैं, उसके लिए देखिए पार्ट 3 भी मैं बनाऊंगा। अगला आएगा पार्ट 3, क्या आएगा पार्ट 3। पार्ट 3 के लिए कल शाम को 8:30 आप तैयार रहना, जिन बच्चों का नाम नहीं आया वो पार्ट 3 में ज़रूर आएगा। तो चलते हैं आगे की ओर, हमारे पास जो अगला कमेंट आया है वो 25वां बच्चा है निखिल पटेल। क्या है? निखिल पटेल। निखिल पटेल जो है वो फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के छात्र हैं और इनकी परसेंटेज बनने वाली है 71%। अगला जो कमेंट आया है वो है अजीत कनौजिया, ये सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, इनकी 76% मार्क्स आने वाले हैं। अगला बच्चा है हमारे पास हरवेश यादव। हरवेश यादव हैं फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, इनकी जो परसेंटेज है वो 64% मार्क्स आने वाले हैं। अगला बच्चा है देखिए 28वां अतुल शुक्ला, ये सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है और इनकी परसेंटेज 87.5% मार्क्स इनके आने वाले हैं। 29वां बच्चा है शिवांश गौर, ये सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है और इनकी परसेंटेज ओवरऑल 82.88% मार्क्स आने वाले हैं। अगला बच्चा है हमारे पास अंकित पाल, ये फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, उनकी ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो 73% इनके मार्क्स आने वाले हैं। तो ये टॉप 3 कमेंट थे। अब महत्वपूर्ण सूचना को समझ लीजिए और आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए, इसमें आपका प्यार और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चे
बच्चे जो हैं उनकी संख्या बहुत कम है। आप अपना परिवार को बढ़ाइए, कम से कम ये 2000-3000 स्टूडेंटों का परिवार करिए, तो बहुत ही बेहतरीन आपको पढ़ाई मिलेगी वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो महत्वपूर्ण सूचना क्या है समझ लीजिए, चाहे तो आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के छात्र हैं, चाहे आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के छात्र हैं, दोनों के लिए मैं महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ। आपको देखिए क्या करना है भाई, यूपी कैडेट क्या करना है, अब आपको यूपी कैडेट में लग जाना है। आपको 1.5 से 2 महीने यूपी कैडेट की तैयारी करनी है मेरे चैनल के माध्यम से। तो आपको क्या काम करना है, देखिए आपको YouTube पे टाइप करना है वाईपी एजुकेशन ट्रिक। इसके बाद आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट पे जाना है। किस पे जाना है बेटे, प्ले लिस्ट पे। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पे जाओगे तो प्ले लिस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे यूपी कैडेट की एक क्या मिलेगी, फाइल मिलेगी, और इसी यूपी कैडेट की प्ले लिस्ट को आपको खोलना है। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट, चाहे तो क्लास 11 एग्रीकल्चर के हों और चाहे क्लास 12 एग्रीकल्चर के हों, 12 एग्रीकल्चर के आल सब्जेक्ट और 11 एग्रीकल्चर के आल सब्जेक्ट। आल सब्जेक्ट कितने, 250 से लेके 300 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, 250 से लेके 300 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है। आप इस यूपी कैडेट से पे जाइए और यहाँ से आप अपनी टेस्ट सीरीज को लगाना शुरू कर दीजिए, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यहाँ से आपकी नॉलेज जो है वो बहुत इम्प्रूव होगी, बहुत इंक्रीज होगी। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था, अगर किसी बच्चे का कमेंट रह गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो में नीचे कमेंट करिए, तो आपका कमेंट मैं अवश्य लूंगा। तो बस बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।